नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दमोह जिले में कांग्रेस का जलवा कायम है। दमोह में नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का बन गया है। ये दमोह में भाजपा पर कांग्रेस भारी रही है। नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी मंजू वीरेंद्र राय को 24 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 15 वोट मिले हैं। जी हाँ, दमोह नगर पालिका में मंजू वीरेंद्र राय अध्यक्ष बन चुके हैं। 39 पार्षदों के निर्वाचन में 24 वोट कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले और 15 वोट भाजपा प्रत्याशी को मिले हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भाजपा के पास 14 पार्षद थे, वो केवल एक पार्षद को अपने खेमे में लाने में सफल हो पाए। वहीं कांग्रेस के पास केवल 17 पार्षद थे और उन्होंने 7 पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कर लिया और बहुमत से ज़्यादा पार्षदों के वोट पाकर चुनाव जीत लिया। बहुमत 20 चाहिए था और 24 वोट मिले, जिससे आसानी से कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। अब दमोह नगर पालिका के अगले अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय होंगे। वहीं हम आपको बता दें, अब जो है हार की समीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन हार की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके हार की जिम्मेदारी ले ली है। वहीं भाजपा खेमे में हड़बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सब लोग अपनी अपनी ले रहे हैं और यही काम राहुल सिंह ने भी किया है, उन्होंने भी हार की जिम्मेदारी ली है। वहीं कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और अजय टंडन ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। अब सुनिए जरा, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद दोनों खेमों से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब क्या करेंगे आगे? अपन ने जो वादे किए हैं वो, यानी कि जनता से और पार्षद से, वो सब पूरे किए जाएंगे। स्वच्छ प्रशासन का वादा है अपना। तो कैसे लग रहा है आपको, आपके पार्षद थे और आपको 24 मिल गए, तो क्या मानते हैं किस क्यों मिलेंगे आपको? जैसे कांग्रेस और सबके प्रयास से जीत का श्रेय आप किसको देंगे? पूरी पार्टी को और यानी कि अपने पार्षदों को। अब आप समन्वय बना के सबके साथ किस तरीके से काम करेंगे? क्या आप सबकी सलाह से नगर पालिका चले ही जाएगी? कोई ऐसा कुछ बड़ा काम है जो शहर के लिए आपको करना हो, विकास के लिए ऐसा कोई आप? अब जो भी शहर के सामने आती जाएंगी समस्या, वो यानी कि पूरी की जाएंगी। कल भी हमने अपने इंटरव्यू में आप लोगों से कहा था, हम जो चुनाव जीत कर आए हैं, दमोह की जनता ने मैंडेट तो हमें पहले ही दे दिया था, क्योंकि हमारा ही दल सबसे बड़ा दल था। 17 हमारे पास थे, 14 किसी के पास थे, कुछ निर्दलीय थे और कुछ अन्य दल के थे। हमने कल अपील की थी कि हम एक नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देंगे और बढ़िया किस्म से जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जो भी हमसे जुड़ना चाहता है हमारी कांग्रेस पार्टी से, वह किसी भी दल का हो, कोई भी विचारधारा का हो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले थे। और आपने देखा, इसी माध्यम से हम 17 से 24 पर पहुंचे। उपाध्यक्ष में वोटें कम क्यों हो गई? वो अलग अलग देखिए क्या होता है, कहीं कहीं कुछ व्यक्तिगत भी संबंध और वो भी होते हैं शायद। लेकिन जिला पंचायत में भी ये हुआ था, हम 4 थे, हम 10 पर पहुँचे थे। कहने का मतलब ये है कि पार्षदों से लेकर जनता तक का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, तभी तो आज हम इस संख्या को बना पाए। डीएसएम आपके साथ रहा? जी, डीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया जी, वो आपके साथ रही? डीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया हमारे साथ रहे, कौन रहा कौन नहीं रहा आज सवाल इस बात का नहीं है। ये तो अपने आप में उदाहरण है, 17 से 24 अगर होते हैं तो कोई ना कोई तो हमारे साथ में रहा है। नहीं तो आपको किस पर अब देखिए, ऐसा है, राज की बातें हैं, राज को राज रहने दें। ओके ओके। मैं आज के इसके लिए हमारे प्रदेश के नेता और हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को, और दूसरा धन्यवाद दमोह की जनता को देना चाहता हूं। दमोह जिले की जनता ने जो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, पहले हम जिला पंचायत का चुनाव जीते, उसके बाद नगर पालिका जीते, पथरिया नगर पालिका जीते और हिंडोरिया में निर्दलीय जीता है। इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। मेरे कुछ पत्रकार साथी हैं जो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैंने कल उनसे मिल के कहा था कि कल का रिजल्ट खुलेगा तो आप देखना, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनेगा। पथरिया की भी बहुत खुशी है और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी आप लोगों के आशीर्वाद से बना है। तो मैं दमोह की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
कि उनने जो हमें जीत दिलाई है ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की पार्टी के लिए जीत मिली है और ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। जिला पंचायत की जीत हुई है, नगर पालिका की जीत हुई है और आने वाले समय में 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का पूरा सहयोग, सत्ता में नहीं होने के बाद भी जहां जहां हम लोगों को ज़रूरत थी हम लोगों को हर जगह निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने और मीडिया के लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले समय अगर हम लोगों की कोई कमी है तो आप उसको भी हम लोगों को दिखाना ताकि हम उसमें सुधार करें और दमोह जिले को एक अच्छा प्रशासन दे सकें। कांग्रेस के साथ कौन रहा, कैसे वोटें बढ़ गई? देखिए अब इसको पर्दे में रहने दो तो ठीक है, हम लोगों को 17 से 24 बने हैं, ये उन लोगों का वोट है हम लोगों को जो दमोह के विकास में सहयोग चाहते थे। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो साथी हैं उनसे मैंने सबसे कहा था कि जब रिजल्ट खुलेगा, एक इंटरव्यू हुआ था दो जगह, उन इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आप इसको संभाल के रखना, हमें फिर से चाय पे बुलाना, हम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे। तो मैं आज एक बार पुनः दमोह जिले की जनता को धन्यवाद देता हूं जिनने 17 पार्षद हमारे जिताए थे, उस दमोह की जनता का हृदय से बार बार नमन करता हूं और चाहता हूं कि हम लोगों को भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि हम दमोह की जनता के हित में अच्छा काम करें, हम लोगों समय समय पे जनता के साथ में रह के और जो समस्याएं रह गई हैं उन समस्याओं का निपटारा करें जिला पंचायत में भी और नगर पालिका में। उपाध्यक्ष में वोटें कम कैसे हो गई? देखिए ये चुनाव कुछ व्यक्तिगत चुनाव भी रहते हैं, कभी किसी की पसंद कोई व्यक्ति रहता है, कभी किसी की पसंद कोई व्यक्ति रहता है। अध्यक्ष में हम लोगों का टारगेट था कि पहले अध्यक्ष बन जाए, फिर उपाध्यक्ष में चुनाव में हम लोगों को भी थोड़ा अभी विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारी 2-3 वोट कम क्यों हुई, पर जीत महत्वपूर्ण होती है भले ही एक वोट से जीते हैं। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि हम लोगों की जीत हुई है, अब इसकी समीक्षा हम बाद में करेंगे कि अंदर क्या हम लोगों को जाने तो मिला नहीं है, अब जो रणनीति हमने बना के भेजी थी वो क्या गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान की मर्यादा रखते हुए नगर के विकास के लिए वोट दिया है, जो निर्णय आया उसको स्वीकार करते हैं। जहां अध्यक्ष के लिए कांग्रेस को 24 वोट मिले वहीं उपाध्यक्ष में 20 वोट रह गए, क्या मानते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का बैठ के वो समीक्षा करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? हम तो जहां थे हम वहां हैं, परंतु हो सकता है सेंध वहां लगी हो। पार्टी को शिकस्त मिली है, कांग्रेस का अध्यक्ष नगर पालिका बन गया है, क्यों ऐसा हुआ है और किसकी इसमें जवाबदारी है, किसके कारण? देखिए जनता ने जो हमें बहुमत दिया था उसके आधार पर हम जनमत से खुश थे, 14 आसन हम जीत करके आए थे और उसके बाद भी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके वो नगर पालिका बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस पर हम सफल नहीं हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो सभी एक रहे, इसके लिए मैं उन सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके मेहनत की है, उसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी चूक रही जिससे हम दूसरे लोगों को अपने साथ लेने में असफल रहे, इसलिए हमारे नगर पालिका। अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर और आप पर भी आरोप लगे थे षड्यंत्र के, इस बार किस पर षड्यंत्र का आरोप? देखिए इसमें ये सिंबल से चुनाव होते हैं, सिंबल से जितने हमें पार्षद मिले थे उससे ज़्यादा हमारे लिए वोट मिली है, तो इसमें किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसी कोई बात नहीं।